हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तम फैक्ट्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक काफ़ी अच्छी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपने खरा समझा है लेकिन नहीं समझा है तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैं आज आपको क्रिकेट के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों एक ऐसी ऐप जो आप जो भी क्रिकेट खेलाता है, इंटरनेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या सीरीज़ के लेवल पर हो, यानी कि 20 इंटरनेशनल हो, आजकल तो जो वनडे का सीरीज़ होता है और 20 इंटरनेशनल का सीरीज़ होता है जो आजकल काफ़ी लोग देखते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसी क्रिकेट के बारे में जो काफ़ी अद्भुत और अजीब है। सभी क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से, यानी कि स्टेट वाइज हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, किसी किसी भी क्रिकेट को आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आप किसी भी हॉटस्टार या जियो टीवी किसी का भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको टीवी ही देखना है और इसमें सब के सब शो आ जाएंगे। शो यानी कि लाइव क्रिकेट का आप उसका मज़ा ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ स्पोर्ट टीवी लाइव, जो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि लाइव स्पोर्ट टीवी है ये। यहाँ आप देख रहे हैं कि चार बॉक्स है, ये पहले बॉक्स में क्रिकेट लिखा हुआ है, दूसरे में हीरो ISL लिखा है और तीसरे में कॉन्टेकस लिखा है और चौथा जो बॉक्स है उसमें शेयर ऐप लिखा है, या ऐप आपको शेयर भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं देखूंगा क्रिकेट में क्लिक करूंगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइव स्कोर भी आपको दिखाती है। ICC Under-19 वर्ल्ड कप 2020, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विज इंग्लैंड का जो मैच है उसके ड्रीम चल रहा है, और KFC BBL यानी कि बिग बॉस लीग भी आप देख सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया विज इंडिया जो थर्ड वनडे इंटरनेशनल का हाईलाइट भी यहाँ देख सकते हैं, यानी कि जो लास्ट में किसी भी मैच खेली गई है उसका हाईलाइट आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप, मैं यहाँ लाइव क्रिकेट का स्कोर भी देखना चाहूँगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लाइव है श्रीलंका विज जिम्बाब्वे है, रिसेंट है, अपकमिंग है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसको रिफ्रेश करने के लिए आपको पुल डाउन करना पड़ेगा। और ये ICC Under-19 वर्ल्ड कप 2020 यहाँ भी आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं उसको ओपन नहीं करूँगा क्योंकि अगर किसी का ऐसा हो तो मुझे आवाज़ भी आती है और इसके मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक की आने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसको मैं प्ले नहीं करूँगा। आप, मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर सके और आप अपना क्रिकेट भी देख सकते हैं। और बाद में है तीसरे नंबर पर बिग बैश लीग, वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा ले सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया विज ऑस्ट्रेलिया थर्ड वनडे इंटरनेशनल का हाईलाइट भी यहाँ देख सकते हैं आप, यानी कि जो लास्ट मैच होती है उसको भी आप देख सकते हैं। और दूसरे कहने की इंडियन सुपर लीग यानी कि हीरो ISL, यहाँ देख सकते हैं कि बेंगलुरु विज ओडिशा, यानी कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि यहाँ स्टेट वाइज क्रिकेट भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी आप प्ले कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये यानी कि जो ऐप का एडमिन है उसके साथ आप बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा है कि सुझाव के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ जो ब्लू लिंक में दी गया है उसके साथ आप कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और चौथा बॉक्स है वो है शेयर ऐप। यहाँ दोस्तों इस ऐप को अपने व्हाट्सएप दोस्तों को शेयर करने के लिए यहाँ क्लिक करें, ऐसा एक ब्लू लाइन में लिखा गया है, तो आप यहाँ उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी अजीब और अद्भुत है, आप एक बार इसका यूज़ कीजिए। और ये प्राइवेसी पॉलिसी भी आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी ऐप है वो आपका डेटा, पर्सनल डेटा को चोरी करता है, तो यहाँ पर आप साफ साफ लिखा हुआ है कि द ऐप डजंट कलेक्ट एनी यूज़र पर्सनल डेटा एज अ फॉर एग्जाम्पल नेम, पिक्चर और लोकेशन। कंसेंटली द ऐप डजंट शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विथ एनी अदर एंटिटी और थर्ड पार्टीज। वी अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज नो टू सर्व एड्स एंड कलेक्ट सर्टेन एनिमेंस इन्फॉर्मेशन वेन यू विजिट अवर ऐप। दिस कंपनीज मे हैव एनी माउस इन्फॉर्मेशन सच एज योर गूगल एडवर्टाइजिंग ID, योर डिवाइस टाइप एंड वर्जन,
ब्राउजिंग एक्टिविटी लोकेशन एंड अदर टेक्निकल डेटा रिलेटेड टू योर डिवाइस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब है कि आपका जो कोई भी डेटा है उसको उसका गलत तरीके से वो इस्तेमाल नहीं करते हैं और कोई भी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसका वो दुरुपयोग नहीं करते, यानी कि वो शेयर नहीं करते हैं। उसका मतलब है कि आपने जिस आईडी से लॉगिन किया है, आप लॉगिन करते हैं तो उसका वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और तीसरे जो है वो थर्ड पार्टी कंपनीज के लिए जो अपनी एड प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों इसमें एड नहीं है, एड होती है या नहीं होती है वो तो आप देखेंगे तभी आपको पता चल जाए, लेकिन किसी जो अदर एड होती है वो आपको सिर्फ गूगल एडवर्टाइज के ज़रिए आपको दिखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।